एवरीवन, तो आज के दिन के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज का दिन क्या है मम्मी बताएगी। आज हम जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी में। यस, आज हम लोग जाने वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी, मतलब इसी के लिए हम हैदराबाद आए। और मैं कब से एक्साइटेड थी कि हम कब जाने वाले हैं। सो फाइनली आज हम जाएंगे रामोजी फिल्म सिटी और मैं आप सबको पूरा रामोजी फिल्म सिटी घुमाऊंगी। एक्साइटेड हो आप? तो हमारे होटल से ना रामोजी फिल्म सिटी 50 या फिर 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए ना हम बहुत जल्दी उठे और फटाफट रेडी हो रहे हैं और नाश्ता करके तुरंत निकलेंगे, है ना मम्मी? यस। देखो पापा भी रेडी होके आ गए। अच्छा हुआ हम जल्दी रेडी हो रहे हैं, नहीं तो पापा और डांटते फिर। हाय पापा, गुड मॉर्निंग। अभी तक हुए नहीं कि तुम रेडी? देखो मैं बोल रही थी ना, अभी हो रहे हम रेडी हो रहे। आप एक ड्रेस पहनोगे क्या? दूसरा ड्रेस पहनो ना। तो क्या प्रॉब्लम है ड्रेस में? नई टी-शर्ट चेंज करो। अरे चार दिन से वही पहन रहा हूँ। नहीं तो कुछ नहीं होता। तेजू तू कुछ बोल, जीजू को तेरे। ओ न्यू पहनो ना कल वाला। अरे पहन लेता ना। पहनो ना वो जीन्स भी पहनो, नई वाली। ये दोनों चेंज कर दो। मैं ठीक है। देखो आज हमारे पापा बने हैं टूर गाइड। पापा टूर गाइड बने हो तो वो कैप पहनो ना। मम्मी वो कैप दो जेठालाल वाली। मैं नहीं पहनता हूं पिंक वाली कैप। नहीं पिंक नहीं, ग्रे भी है उसमें। हाँ तो मैं क्या बोल रहा, सब लोग है ना ऐसे छोटी छोटी बोतल कैरी करेंगे आज। हाँ, अपने अपने बैग में। ठीक है ठीक है। हाँ और कुछ? और बताते रहूंगा मैं, गाइड करते रहूंगा। ठीक है चलेगा, और कोई थकेगा नहीं। सब आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे सब आगे। हाँ। धूप हो बारिश हो चाहे कुछ भी हो, तूफान आ जाए आंधी आ जाए, आज कोई नहीं रुकेगा। आज पूरे रामोजी फिल्म सिटी के एकदम आखिरी कोने तक जाके आने का। तो फाइनली अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और हम जाएंगे नॉन स्टॉप रामोजी फिल्म सिटी। लेट्स गो गर्ल्स। चलो चलो बोल के वही खड़े रहे। चलो चल ही नहीं रहे। गाइस बताओ आप सब लोग एक्साइटेड हो? आप सबको मैं ना रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली सेट घुमाऊंगी, सारे सेट्स घुमाऊंगी। देखते कुछ नया सेट भी वहाँ पे लगा होगा। मैंने सुना था कि RRR का सेट भी लगा है, वहाँ पे जाके देखते बड़ा मजा आएगा। तो निकल गए हम लोग रामोजी फिल्म सिटी जाने के लिए। यहाँ से हमको है ना 30 किलोमीटर जाना है, मतलब पूरा 1 आवर लगेगा हमको। नहीं पापा, 1 आवर में हम होंगे रामोजी फिल्म सिटी। यस। और पापा है ना जब हम लास्ट टाइम आए थे ना उसी की तरह ना बाहुबली सेट पर आप वो आवाज निकाल के दिखाना सबको, ठीक है? उसी के लिए सब वेट कर रहे हैं। तो हमको है ना रामोजी फिल्म सिटी में बहुत घूमना है, दिन भर घूमना है, तो एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग है ना यहाँ पे फ्रूट्स लेने आए। फ्रूट्स खाने से कैसे एनर्जी आएगी ना हमें? तो हम लोग एप्पल लेंगे, पेरू लेंगे, और क्या लेना है देखो आप अपने हिसाब से। तो हम लोगों को है ना पेरू लेना था, यानी कि गुआवा। तो है ना वो आंटी 200 रुपए किलो बोल रही है पेरू, तो जाने दो उसको, हमने बनाना और एप्पल ही ले लिया। पापा पेरू 200 रुपए किलो नहीं होते ना? पेरू 200 रुपए किलो। हाँ अच्छा। हाँ। क्या? हमारे लिए सेपरेट रेट लगाएंगे वो। हाँ अच्छा। तब तो देखिए ऐसे सेपरेट सारे रेट ऐसे अलग अलग बता दिए उन्होंने। देखो फाइनली हम पहुंच गए रामोजी फिल्म सिटी। लाइट्स कैमरा सेलिब्रेशन। ये क्या क्या ले रही तू? मैं कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक और उसके बाद में कंघी ले ली और काजल भी, सबसे इम्पोर्टेंट। अरे कौन सी बैग ले रही तू? ये वाली ना पापा। इसमें बॉटल नहीं बैठेगी। एक पानी बॉटल डाल उसमें। नहीं बैठेगी, छोटी बैग है वो। अच्छा फिर से ये। चलो अभी चलते हैं। सबसे पहले हमको टिकट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम अंदर एंटर होंगे। और यहाँ पे है ना धूप बहुत है, इसलिए हम सबने ना ये कैप पहन लिया। देखो सबसे पहले ना यहाँ से ये टिकट काउंटर से है ना हमें टिकट निकालना होगा। मैं आपको है ना सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वहाँ पे चल के पहले देखते कितने का है टिकट। देखो अडल्ट का है ना 1350 रुपये टिकट है और बच्चों का है ना 1150 रुपये। हो गया पापा टिकट? हाँ हमारे 6 टिकट हो गए। 6 टिकट कितने हुए बताओ? 6 टिकट के भी टैक्सेस कुछ लगभग 10,000 के लगभग हो गए 6 टिकट। तो हम सबके है ना 6 टिकट लगभग है ना 10,000 के हो गए। चलो अभी सबसे पहले है ना हम लोग वॉशरूम चलते हैं, फिर उसके बाद में इंजॉय करते हैं। चलो अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ रहा है ना जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं,
एकदम पहले वाली फील आ रही है जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे रामोजी में। रेडी? यस रेडी। चलो अभी हम लोग चलते हैं, बस में बैठ के यहाँ से जाना होता है। ये देखो, ये टिकट का स्टिकर भी ऐसे चिपकाना पड़ता है। देखो पापा ने यहाँ से ना अम्ब्रेला भी ले आए, क्योंकि है ना वहाँ पे बहुत धूप होगी इसलिए अम्ब्रेला तो चाहिए ही होगा ना। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं बस में बैठ कर। यस फ्रंट सीट पे बैठेंगे। देखो पापा और हम दोनों है ना फ्रंट सीट पे बैठे हैं, मजा आएगा यहाँ से। चलो बस निकल पड़ी। ये अरे चिल्लाओ ना, एंजॉय करो। जो टेंपल आप देख रहे हो इसको आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा। एंड फिर हम फाइनली एंटर होते हैं रामोजी फिल्म सिटी में, जहां सब बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट कर रखा है। ताथैया ताथैया हो, वो वाला डांस हुआ था यहाँ पे, देख लो। रामोजी फिल्म सिटी में आने के बाद में ऐसे लगता है जैसे हम कोई फॉरेन सिटी में आ गए हो। पापा को ऐसे अम्ब्रेला पकड़ते हुए देख के एंड मुझे फुल वेस्टर्न स्टाइलिश लुक में देख के सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ एंड मेरी यहाँ पे शूटिंग चल रही है। वहाँ सब लोगों को लग रहा था कि मैं साउथ की कोई हीरोइन हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो यहाँ पे है ना मूवी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पीछे है ना एक्शन थिएटर है। चलो अंदर चल के देखते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज एंजॉय करो वीडियो को और पहले लाइक करो, ठीक है। तो ये जो शो में अभी हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाते हैं कि एक्चुअल में ना फिल्म कैसे बनती है, मूवी कैसे बनती है। तो जो भी फिल्म लवर्स है आपको ये देखने के लिए बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पर है ना ये मूवी शूट हुई है, रामलीला शूट हुआ है यहाँ पे। ये देखो अभी यहाँ पे दिखाएंगे कि मूवी कैसे शूट होती है। अरे अंदर जा रहे इधर राइट पे बेड में देखता है। ओके यहाँ पे कैमरा है, रेडी वी विल गो टू टेक। सर जी प्लीज कम सर। लुक स्ट्रेट माय हीरोइंस। ओके इधर उधर नहीं देखना, ये यहाँ पे कैमरा है। सर कैमरा बोलिए। कैमरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक्शन। एक्शन मूड पर स्लो वेरी स्टोरी टेकिंग बैकग्राउंड। मूवी में मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक रेस या फिर बाइक चेसिंग वाले सीन्स ऐसे स्टूडियो में शूट होते हैं, बट मूवी में हमें ऐसे लगता है कि हीरो कितने
बाइक चला रहा है 300 की स्पीड में। अभी वो सर दिखाएंगे कि बारिश का साउंड कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी सैंड से। क्या कुछ खाने का ले रहे हो? हाँ। क्या ले रहे हो मेरे को भी बताओ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है खाने का। खाने का क्या? नहीं, फ्रूट्स खाएगी? हाँ फ्रूट्स खा लो। अरे भेजे पापा। लिया है क्या आपने? वाइट पाव लिया पापा ने। अभी तो एक जगह भी नहीं घूमे तो आप खाना पीना शुरू कर दीजिए। खाने दो ना मम्मी। चलो बाप बाप थोड़ी खा रहा। हां ना क्या हाल है? ये भी शुरू हो गई, अभी शुरू हो गई। यहां पे भूख लगी हमको। अरे तुम कितना खाए नाश्ता? भूख के लात मारे। हे देखो ना वहां पे सामने पुराने जमाने की गाड़ी है। पर इनको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इनको? वो पूरा बेंच खाली है लेकिन फिर भी उसके गोद में बैठने गए उसको। ये देखो दोनों एक दूसरे के गोद में बैठे हुए। यहाँ बेंच खाली है सर, यहाँ बैठ सकते हैं आप। लॉरेन एंड अरे उधर बैठो दोनों जन। ये देखो ये रही पुराने जमाने की गाड़ी, उधर की साइड भी एक आ जाओ। वाओ ये वाली कितनी सही है। अभी है ना हम एकदम फिल्मी टाइप एक्ट करेंगे। मैं ना वहाँ से चल के आऊंगी ये गाड़ी के पास एकदम मस्त। अभी आई मैं, आप बस देखते जाओ। ए, ये खुलता नहीं है। काश ये खुलता तो मैं अंदर बैठ के गाड़ी चलाती। मस्त उधर देखो पेट्रोल पंप भी है। ये देखो अभी हम जा रहे हैं स्पेस यात्रा में। चलो दिखाते हैं आपको स्पेस की यात्रा कैसी होती है और हम भी देखते हैं। ये देखो आपको ये घर लग रहे हैं ना पीछे के इधर के साइड के, पर ये दीवारें हैं गाइस। ये देखो ये सब दीवारें हैं। ये देखो ये रही स्पेस यात्रा। सो अभी है ना हम लोग जा रहे हैं ये स्पेस यात्रा में। यहाँ पे है ना कुछ 5D एक्सपीरियंस है, मतलब लिफ्ट ऊपर जाती है, टूट टूट जाती है लिफ्ट और सारे लोग नीचे गिर जाते हैं ना पापा। देखेंगे ना अभी देख बंद। हाँ चलो देखते हैं अंदर एक्सपीरियंस करके कैसे होता है। लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं गए थे हम। हाँ। मैं जा चुका पहले। अच्छा आप जा चुके हो? क्या बात है पापा, जाते हैं हम जाते हैं फिर। चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, 5D का एक्सपीरियंस लेते हैं। डर लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में, पता नहीं क्या होने वाला है। डर लग रहा है ये डोर वोर बंद हो रहे सब, हमको अकेले मत छोड़ के जाओ। Welcome voyagers, oh there you are, welcome to your space flight adventure. Stand for intruders. अब उड़ने वाले हैं। मम्मी डर लग रहा है सच में, है थोड़ा डर भी लग रहा है। मजा भी बहुत आ रहा है। मजा बहुत आ रहा है। और हो गया आप सभी को नमस्कार। मतलब उसका एक सॉन्ग शूट हुआ था यहाँ। याद आ रहा है किसी को? अभी हम जा रहे हैं रामोजी स्टूडियो टूर देखने के लिए। आप सभी लोग रेडी है? एंड राइट साइड इज इंजन पॉपर। ये देखो यहाँ पे ना चंद्रमुखी मूवी शूट हुई है। अच्छा आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। अरे मर जाने, छोड़ना भी नहीं।
मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मर जाने सुन ना। सबको ऐसे लगता है कि ये रामोजी फिल्म सिटी की हवेली अमिताभ बच्चन भानु प्रताप ठाकुर की है, बट नहीं, ये हवेली केवड़ा ठाकुर दुश्मन की है और भानु प्रताप ठाकुर की हवेली कहीं गुजरात में। मगधीरा मूवी की बाइक रेसिंग है ना, यही रोड पे शूट होती है। देखो दिन को सो ये सब मंद पार्टिसिपेंट्स हो चारों बिल्डर लो ये वाले को हाइट जंप चेकल रो यही वो रोड है। इनको 10 నిమిషాల్లో బైక్ జంపింగ్ పోటీలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి, వాళ్ళే విన్నర్స్ యార్। द फिल्म देखे ना सूर्यवंशी, और इस फिल्म में बॉम्ब ब्लास्टिंग ये सभी है यहाँ पर दिखाया। सतेश सिंह का मुंबई का चोर बचा जो बड़े मियां सोने में दिखाया। ये देखो जैसे गांव में घर होता है ना, वैसे यहाँ पे सेट किया हुआ। ये देखो यहाँ पे सामने सेंट्रल जेल, ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं जेल के अंदर। देख रहे हो हम जेल के अंदर आ गए और सारे कैदी हैं इधर। कपड़ा कैदी लाइटिंग भी लगा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये सब बिंदास काव्य के हेटर्स है। ओह माय गॉड, कैसे तो सारी कैदी। ये देखो ये रहे रजनी का सर, कौन कौन इनका फैन है बताओ। ये देखो ये रहा रामोजी फिल्म सिटी का रेलवे स्टेशन। इधर के प्लेटफॉर्म पे है अयोध्या और इधर के प्लेटफॉर्म पे है हैदराबाद। और हाँ, अगर आपने DDLG मूवी देखी है ना, तो वो जो लास्ट का सीन होता है ना ट्रेन वाला, जा सिमरन जा, वो यहीं पे शूट हुआ था। बस यहाँ पे भी ट्रेन की कमी है। तो ये था रामोजी फिल्म सिटी का टूर। अब हम कल जाएंगे बाहुबली के सेट्स पे और खूब मस्ती करेंगे। तो कौन कौन रामोजी फिल्म सिटी घूम चुका है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं कल बाहुबली के सेट्स पे।